नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं लगातार आप मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे और बहुत ध्यान से देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे साथ में और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि तैयारी करना बहुत जरूरी है और लगातार तैयारी करना जरूरी है, तभी एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर का, जो कि लगभग अपन व्याकरण के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। व्याकरण अच्छे से तैयार करनी है, मेरे हर एक वीडियो को आप व्याकरण के अच्छे से देखिए, अच्छे से तैयार कीजिए। लगभग हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आज अपन ग्रामर के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट करें समास। हालांकि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, ट्रिकी समझा रहा हूं। एक पैटर्न समास के लिए जो बना रखा है लगभग सभी विद्यार्थियों ने, रटाफिकेशन मेथड वाला, वो नहीं करना है। इसके अंदर आपको ट्रिकी समझना है समास को, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने में, मान लीजिए जो एग्जाम्पल दे रखे बुक में उसके अलावा आ जाए तो फिर क्या करोगे, अगर रटा हुआ है तो रटना नहीं है, ट्रिक से समझना है। समास, समास की परिभाषा क्या कहती है, देखिए, सम उपसर्ग पूर्वक घ्य धातु करने पर, सम उपसर्ग पूर्वक घ्य धातु से समास शब्द निष्पन्न होता है। उपसर्ग क्या है, सम है, धातु क्या है, घन, घ्य धातु, इससे समास शब्द बनता है। समास क्या कहते हैं, समसनम समास, यानी कि किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखना, किसी भी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखना, वो कहलाता है समास, वो कहलाता है समास। समसनम समास यानी कि समास को क्या करता है, संक्षिप्त करने का काम करता है, किसी भी शब्द को संक्षेप में लिखने का काम समास करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले समास पे आते हैं अपन, देखिए पहला समास है आपका अव्यवी भाव समास। ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना बेटा जी, जो समास के लिए एक भ्रांति है कि अगर अपन रट भी लें तो समास तैयार हो जाएंगे, नहीं, रटना नहीं है, ट्रिक ही समझना है समास को। अव्यवी भाव समास, इसमें देखिए पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि पूर्व पद की प्रधानता होती है इसमें, पूर्व पद की प्रधानता होती है। देखिए बेटा जी, पूर्व पद, अब कहेंगे पूर्व पद क्या होता है, समास के अंदर दो पद होते हैं, पहले वाला पद कहलाता है पूर्व पद, बाद वाला पद कहलाता है उत्तर पद, तो पूर्व पद की इसमें प्रधानता होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका पहला शब्द अव्यय और दूसरा शब्द संज्ञा का होता है। पहला शब्द होगा आपके अव्यय का, दूसरा शब्द होगा संज्ञा का। तीसरा कि समस्त पद है वो नपुंसकलिंग का होता है, समस्त पद जो बनेगा वो नपुंसकलिंग का बन जाएगा। तो देखिए, पूर्व पद की इसमें प्रधानता होती है, पहला पद अव्यय होता है, दूसरा शब्द संज्ञावाची होता है, समस्त पद बनता है वो नपुंसकलिंग का होता है। जैसे देखिए, अब एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा बेटा जी, रटना नहीं है। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया उपकृष्णम, हालांकि देखिए आपने 8th 9th में भी समास पढ़े हैं, फिर बता रहा हूं, दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसको कहते हैं समस्त पद। अगर समस्त पद दे दे तो क्वेश्चन ये आएगा, समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए, जैसे अपने संधि में होता था, आधा नंबर संधि को सॉल्व करने का और आधा नंबर संधि के नाम का, सेम इसी तरीके से इसमें आधा नंबर मिलेगा समास विग्रह का
और आधा नंबर मिलेगा समास के नाम का। और अगर विग्रह दे रखा है तो क्वेश्चन आएगा कि समस पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। तो दोनों तरीके से इसको क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए बेटा जी, उपकृष्णम, पहले समास के नाम पहचानने की ट्रिक बता रहा हूं। जैसे आपने देखा उप, उप क्या होता है? अव्यय। जैसे ही पहला पद अव्यय का आ गया, पहला पद किसका हो? अव्यय का हो, तो कौन सा समास होता है? अव्यवी भाव समास। तो आधा नंबर आपका सेफ हो गया, आधा नंबर कहीं नहीं कटना क्योंकि आपने समास का नाम इसमें पहचान लिया। अब देखिए जहां पर उप अव्यय आया, विग्रह करने की ट्रिक देखिए। विग्रह हमेशा आपको इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन में करना है। विग्रह इसका षष्ठी विभक्ति एक वचन में होगा। तो देखिए उपकृष्ण में मूल शब्द क्या है बेटा जी? मूल शब्द है कृष्ण। तो विग्रह किया अपन ने, तो कृष्ण में लगाई षष्ठी विभक्ति। विभक्तियों की पहचान मैंने बताई हुई है कारक के फर्स्ट वीडियो में, तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देखना, उसके अंदर मैंने विभक्तियों की पहचान बता रखी है। तो कृष्ण, तो कृष्णस्य, स्य लगाती षष्ठी विभक्ति बन गया। और उप, अब देखिए इसकी एक और ट्रिक बता रहा हूं। उप अव्यय किस अर्थ में आता है? समीपम अर्थ में आता है। उप का अर्थ होता है पास में, समीप में। तो विग्रह इसका आएगा समीपम अर्थ में, विग्रह आएगा इसका समीपम अर्थ में। तो उप जहां पर आ जाए, विग्रह में समीपम शब्द का प्रयोग करना है और मूल शब्द में षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम। जैसे क्वेश्चन आ गया उप रामम, उप रामम। देखिए मैंने क्या कहा, समस पद नपुंसकलिंग का होगा। नपुंसकलिंग की पहचान क्या होती है? अंत में हलंत म, ये नपुंसकलिंग की पहचान होती है। तो मूल शब्द क्या है? देखिए बेटा जी इसमें राम, राम में अपन ने षष्ठी विभक्ति लगाई तो क्या हो गया? रामस्य। राम में षष्ठी विभक्ति लगाई तो रामस्य। और उप किस अर्थ में आता है? समीपम अर्थ में। तो रामस्य समीपम, रामस्य समीपम। ये जहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, जहां उप अव्यय आ जाए, उप अव्यय में विग्रह होगा समीपम अर्थ में और मूल शब्द में लग जाएगी षष्ठी विभक्ति। अगला अनु, अनु जैसे अनु रूपम। पहली चीज अनु अव्यय का अर्थ होगा योग्यम अर्थ में या पश्चात अर्थ में, योग्यम या पश्चात में। तो देखिए बेटा जी अनुरूपम, इसका भी विग्रह होगा आपके षष्ठी विभक्ति के अंदर, षष्ठी विभक्ति के अंदर विग्रह होगा। तो मूल शब्द है देखिए रूप, तो षष्ठी विभक्ति लगाई तो क्या बन गया? रूपस्य। और अनु अर्थ किसके अर्थ में आता है? योग्यम। तो रूपस्य योग्यम, रूपस्य योग्यम। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया अनु गुणम। अब देखिए बेटा जी मैंने आपको षष्ठी विभक्ति लिखा है, इसमें एक वचन भी लगता है और बहुवचन भी। देखिए रूप, एक व्यक्ति का रूप तो एक ही होगा, है ना, रूप तो एक ही होगा। तो अपन ने इसमें षष्ठी एक वचन लगा दिया। अब यहां पर क्या है? गुण। तो एक व्यक्ति के अंदर गुण तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो बहुवचन लगेगा। तो यहां पर आ जाएगा आपके गुणा नाम, गुणा नाम। और अनु, अनु किस अर्थ में आएगा? योग्यम में। तो गुणा नाम योग्यम, गुणा नाम योग्यम। देखिए फिर बता रहा हूं, इससे इजी ट्रिक और हो ही नहीं सकती बेटा जी समास को समझने की। उप अव्यय जहां पर आ जाए, उप का अर्थ होता है समीपम यानी कि पास में, और विग्रह होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में। अनु जहां पर आ जाए, अनु का अर्थ होता है योग्यम और विग्रह होगा इसका षष्ठी विभक्ति में। अब ध्यान रखना है कि एक वचन होगा या बहुवचन होगा। जैसे रूप है वो व्यक्ति का एक ही होता है, तो रूपम में षष्ठी विभक्ति एक वचन आ गया। गुण बहुत हो सकते हैं तो बहुवचन आ गया। तो इस तरीके से इसमें तीसरा, नेक्स्ट अव्यय। देखिए नेक्स्ट अव्यय क्या आता है आपके? प्रति।
नेक्स्ट अव्यय है प्रति। प्रति अव्यय में क्या करना है कि मूल शब्द को, मूल शब्द को, मूल शब्द का द्वित्व करना है। मूल शब्द का द्वित्व करना है मीन्स मूल शब्द को दो बार लिखना है प्रति अव्यय। जैसे देखिए प्रति दिनम, प्रति दिनम है ना, मूल शब्द क्या है इसमें दिन है ना, इसको कितनी बार लिखेंगे अपन द्वित्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दिनम, दिनम और ये वापस वही आ जाएगा प्रति दिनम, दिनम प्रति। ठीक है, प्रति उपसर्ग जहां पर आ जाए वहां पर मूल शब्द का द्वित्व करना है आपको, बस ये ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन आ गया प्रति ग्रामम, प्रति ग्रामम तो मूल शब्द है इसमें ग्राम, तो इसका द्वित्व करा अपने तो ग्रामम, ग्रामम सॉरी ग्रामम, ग्रामम प्रति। अब मान लीजिए विग्रह आ जाए, एक समस्त पद बनाने का भी ट्रिक बता देता हूं। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया वर्षम, वर्षम प्रति। अब इसका ट्रिक बता देता हूं समस्त पद बनाने का। मूल शब्द क्या आ गया वर्ष, वर्ष लिख दीजिए। अव्यय कौन सा है प्रति, और अव्यय आपको पता है कहां लगता है मूल शब्द के आगे, तो ये लगा दीजिए आगे लगा दिया। और अव्यवी भाव समास में समस्त पद किस लिंग के अंदर होता है नपुंसक लिंग, तो नपुंसक लिंग के लिए क्या आ जाएगा हलंत म, तो वर्ड बन जाएगा आपके प्रति वृषम। ये हो गया आपके प्रति उपसर्ग। अब नेक्स्ट आपके आता है निर उपसर्ग। निर, निर का अर्थ होता है अभाव, ये आएगा अभाव अर्थ में, निर आएगा अभाव अर्थ में, और इसका विग्रह होगा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में, विग्रह होगा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। देखिए बेटा जी समास की इससे आसान ट्रिक और कोई भी नहीं हो सकती, तो ध्यान से समझिएगा। निर उपसर्ग का अर्थ है अभाव और ये विग्रह होगा इसका षष्ठी विभक्ति के बहुवचन। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आ गया निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। अब देखिए निर आ गया तो निर उपसर्ग किस अर्थ में आएगा अभाव के अर्थ में। अब देखिए मूल शब्द क्या है इसमें मक्षिका, तो अगर अपन षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगाए तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में मक्षी का नाम, क्योंकि षष्ठी विभक्ति की बात मैंने आपको बता रखा है या तो नाम लगता है या फिर नाम लगता है। तो जिसने भी कारक का फर्स्ट वीडियो नहीं देख रखा वो देख लें, उससे हेल्प मिल जाएगी। मक्षी का नाम और निर उपसर्ग किस अर्थ में आता है, निर उपसर्ग आता है अभाव में, तो मक्षी का नाम अभाव, मक्षी का नाम अभाव। जैसे क्वेश्चन आ गया निर्जनम, निर्जनम। तो देखिए मूल शब्द क्या है जन, तो इसमें अपन कौन सी विभक्ति लगाएंगे षष्ठी बहुवचन, तो क्या हो जाएगा जनानाम, जनानाम और अभाव, जनानाम अभाव। अब मान लीजिए विग्रह आ गया, विग्रह आया जैसे जलानाम, जलानाम अभाव। आप ये मान लीजिए पेपर में आ गया, जैसे ही आपने देखा अभाव शब्द आया, अभाव का किस अव्यय में आता है निर में, निर अव्यय आ गया तो अव्यय अव्यय भाव समास हो गया इसके अंदर। अब देखिए क्या करना है, मूल शब्द क्या है इसका जल और निर उपसर्ग आएगा तो निर, निर। अब मैंने अलग से क्यों लिखा है इसमें मैं आपको बता रहा हूं। देखिए र व्यंजन है उसके बाद ज भी व्यंजन है, तो आपको मैंने एक गुण संधि के अंदर ये चीज बताई थी कि र एकमात्र ऐसा व्यंजन है यदि उसके बाद कोई व्यंजन आ जाए तो वो आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है,
तो देखिए आगे वाला व्यंजन इसका क्या है, जल, तो ये रह आ गया यहां पर निर्जल। और अव्यवी भाव समास के जो समस्त पद है वो किस में बनते हैं, नपुंसकलिंग में, तो नपुंसकलिंग बनाने के लिए अपन ने लगा दिया वर्ड निर्जलम। नेक्स्ट और अंतिम प्रकार इसका देखिए, अंतिम प्रकार ये कहता है यथा, यथा उपसर्ग, यथा अव्यय जहां पर आ जाए उसका विग्रह होगा अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। इसको हिंदी में कहते हैं के अनुसार, हिंदी में इसको कहते हैं के अनुसार। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया यथाशक्तिम, यथाशक्तिम, इसके अंदर इसी विभक्ति के अंदर इसका विग्रह होगा द्वितीय विभक्ति के अंदर। मूल जैसे आपने देखा यथा आया है, यथा उपसर्ग किस अर्थ में आएगा, अनतिकर्मे में मूल शब्द है शक्ति, शक्ति के अंदर द्वितीय विभक्ति लगाई तो वर्ड बना शक्तिम, और यथा का अर्थ हो जाएगा अनतिकर्मे, तो ये शक्तिम अनतिक्रम्य, यानी कि शक्ति के अनुसार। जैसे क्वेश्चन आ गया यथा रीतिम, तो मूल शब्द क्या है रीति, द्वितीय विभक्ति लगाई तो रीतिम, और यथा का अर्थ हो जाएगा अनतिक्रम्य, तो रीतिम अनतिक्रम्य। देखिए बेटा जी ये आपका अव्यवी भाव समास हो गया। रिपीट कर रहा हूं, उप उपसर्ग आ जाए, उप का अर्थ होता है समीपम, षष्ठी विभक्ति एक वचन विग्रह करना है। फिर अनु आ जाए, अनु का अर्थ होता है योग्य, षष्ठी विभक्ति के अंदर विग्रह करना है, वचन देख लेना दोनों वचन में प्रयोग होता है। फिर प्रति उपसर्ग आता है, प्रति के अंदर आपको क्या करना है, प्रति के अंदर मूल शब्द का द्वित्व करना है, दो बार लिखना है। और उसके बाद में आपके निर उपसर्ग आ जाए, निर का अर्थ होता है अभाव अर्थ में, अभाव अर्थ में होता है, और उसका विग्रह होगा हमेशा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। और लास्ट यथा, यथा का होता है अनतिक्रम्य के अनुसार, और इसका विग्रह होगा द्वितीय विभक्ति में। तो ये आपका अव्यवी भाव समास हो गया। नेक्स्ट समास पे अपन आते हैं, नेक्स्ट समास है अपना कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, बहुत ही अच्छा समास है। कर्मधारय समास क्या कहता है, देखिए कर्मधारय समास कहता है कि इसका पहला शब्द विशेषण और दूसरा शब्द विशेष्य का होता है, पहला शब्द विशेषण और दूसरा विशेष्य का होता है। अब मैं आपको विशेषण और विशेष्य का मीनिंग बता देता हूं, उसके बाद ये समास एकदम आसान हो जाएगा। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं, इसके बाद इस समास में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। देखिए बेटा जी विशेषण और विशेष्य किसको कहते हैं, विशेष्य की जो विशेषता बताए, विशेष्य की जो विशेषता बताए वो विशेषण कहलाता है, यानी कि जिसकी विशेषता, एकदम इसको क्लियर कर देता हूं, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो कहलाता विशेष्य, और जो विशेषता बताने वाला शब्द है, जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो कहलाता है विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष्य कहलाता है, और जिसकी जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण कहलाता है। अब इसके उदाहरणों पर आते हैं, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया कृष्ण सर्प। एक चीज ध्यान रखना बेटा जी, जिस विभक्ति के अंदर समस्त पद है विग्रह भी उसी विभक्ति के अंदर होगा। कृष्ण सर्प,
अब समास का नाम पहले ढूंढना है, सांप कैसा है, कृष्ण यानी कि काला है, तो ये सांप की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो जो विशेषता बताने वाला शब्द होता वो क्या कहलाता, विशेषण, यानी कि पहला शब्द क्या आ गया, विशेषण का आ गया, इट मीन्स ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, जहां पहला शब्द किसका जाए, विशेषण का जाए, वो कर्मधारय समास होता है। तो देखिए यहां पर पहला शब्द आ गया कृष्ण, कर्मधारय समास हो गया, तो यहां पर देखिए कर्मधारय समास, अब प्रथमा विभक्ति के अंदर समास पद है तो विग्रह भी प्रथमा विभक्ति के अंदर होगा, तो कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, जैसे क्वेश्चन आ गया प्राज्ञ छात्र, छात्र कैसा है, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होना छात्र की क्या होगी, विशेषता होगी, छात्र की क्या होगी, विशेषता होगी। तो देखिए पहला शब्द किसका आ गया, फिर बता रहा हूं जो विशेषता बताने वाला शब्द होता है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य हो गया, जैसे कृष्ण काला, काला विशेषण है, समा इसकी सांप की विशेषता बता रहा है, तो सांप तो विशेष्य हो गया और कृष्ण क्या हो गया, विशेषण हो गया। इसी तरीके से प्राज्ञ मतलब छात्र, छात्र कैसा है, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान है, तो पहला शब्द विशेषण का हो गया, तो ये हो जाएगा प्राज्ञ छात्र, प्राज्ञ छात्र, जहां पर पहला शब्द विशेषण का हो और दूसरा शब्द किसका आ जाए, विशेष्य का आ जाए, वो हमेशा कौन सा समास होगा, वो समास होगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की पहचान ही है कि इसका पहला शब्द विशेषण का आता है। जैसे एग्जाम्पल आ गया आपके रक्त कमलम, रक्त कमलम, अब देखिए इसमें विग्रह समस्त पद आया द्वितीय विभक्ति में, तो विग्रह भी किसमें करेंगे, अपने विग्रह भी किसमें करेंगे, द्वितीय रक्तम कमलम, रक्तम कमलम। कहने का मीन्स ये है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है कर्मधारय समास के अंदर, कर्मधारय समास पहली बात है, पहला शब्द होगा विशेषण का, दूसरा होगा विशेष्य का, जहां पर विशेषण किसको कहते हैं, जो विशेषते की विशेषता बताने वाला शब्द है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। तो जहां पर पहला शब्द विशेषण का आ जाए वो कर्मधारय समास है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, अब इसके उदाहरण देखना एकदम आसान लगेंगे। तीसरे समास पे आ जाइए बेटा जी, तीसरा समास अपना है बहुत इंपॉर्टेंट समास है, द्विगु समास, द्विगु समास, द्विगु समास क्या कहता है, देखिए द्विगु समास कहता है कि पहला शब्द इसका होता है संख्यावाची, पहला शब्द होता है संख्यावाची, और दूसरा शब्द होता है इसका संज्ञा, दूसरा शब्द किसका होगा, संज्ञा का होगा। पहला शब्द संख्यावाची आएगा, यानी कि जहां पर संख्या आ जाए पहले वहां पर हमेशा कौन सा समास लगेगा, द्विगु। तो इस समास को पहचानने का तरीका बहुत आसान है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये समूह के अर्थ में आता है, समूह के अर्थ में आता है, यानी कि समाहार जहां पर वर्ड का प्रयोग होगा वो समूह अर्थ में ये आएगा। और इसका विग्रह, इसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, देखिए विग्रह हमेशा, विग्रह हमेशा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैंने बताई है, जिससे आपको इसको रटना नहीं पड़ेगा। विग्रह किस में होगा, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में इसका विग्रह होगा, ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिक क्या है इसको पहचानने की, समास के नाम को, कि इसका पहला शब्द आएगा इसमें संख्यावाची का, पहला शब्द आएगा संख्यावाची का। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया सप्त दिनम,
सप्त दिनम। देखिए बेटा जी, जैसे ही देखा आपने सप्त यानी कि सात, संख्या आ गई, संख्या आ गई, इसका मतलब ये समास कौन सा है? द्विगु समास है। समास द्विगु है, दो शब्द देखिए इसके, सप्त पूर्व पद, दिन उत्तर पद, दोनों का विग्रह किसमें करेंगे? अपन षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में। तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा सप्तानाम और दिन का हो जाएगा दिनानाम। और क्या आ जाएगा, किस अर्थ में आता है? समूह के अर्थ में, समूह के अर्थ में यानी कि समाहारः, सप्तानाम दिनानाम समाहारः। जैसे पंचवटी, पंच देखिए, पंच पांच, पहला शब्द संख्या का आ गया, संख्या का आते ही कौन सा समास लगेंगे? द्विगु समास। तो देखिए क्या होगा, पंचानाम, दूसरा शब्द क्या, वट, तो वटानाम। और किस अर्थ में आता है? समूह के अर्थ में, तो ये आ जाएगा समाहारः। पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारः। जैसे क्वेश्चन आ गया त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रि यानी कि तीन, पहला शब्द संख्या का गया, संख्या का आते ही समास लगेगा द्विगु, आधा नंबर आपका सेफ हो गया। अब इसमें लगाते हैं षष्ठी विभक्ति, त्रि में लगाया तो त्रयाणाम, लोक में लगाया तो लोकानाम, त्रयाणाम लोकानाम। और किस अर्थ में आता है बेटा जी? समूह अर्थ में, तो समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः। जैसे देखिए सप्तपदी, सप्तपदी, पहला शब्द क्या है? सप्त है, सप्त आ गया सात, यानी कि संख्यावाची शब्द आ गया, तो द्विगु समास लगाया। तो अब अपन क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो सप्तानाम पदी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन पदानाम। और किस अर्थ में आता है? समूह अर्थ में, तो ये आ जाएगा अपने समाहारः, सप्तानाम पदानाम समाहारः। जैसे एक और एग्जांपल समझ लीजिए, अष्टाध्यायी, 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 अष्ट यानी कि आठ, संख्या आ गई, द्विगु समास लगाया, षष्ठी विभक्ति बहुवचन के अकॉर्डिंग इसका विग्रह किया, तो अष्टानाम और अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। तो क्या ध्यान रखना है बेटा जी, द्विगु समास के अंदर पहला शब्द होगा इसका संख्या का, जहां पर पहला शब्द संख्या का जाए वहां हमेशा समास लगेगा द्विगु समास। और इसका समूह अर्थ में आएगा तो समूह अर्थ के लिए प्रयोग करना है समाहार शब्द। और ये जो मैंने इसकी ट्रिक बताई है, ट्रिक ये है कि विग्रह हमेशा षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में होगा, षष्ठी विभक्ति बहुवचन की मैंने आपको पहचान बता रखी है, नाम या नाम। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसने कारक का पहला वीडियो नहीं देखा वो जरूर देखें, क्योंकि समास के अंदर जो विभक्ति पहचान है वो बहुत काम आ रही है, तो उसमें मैंने विभक्तियों के अलग से पहचान के ट्रिक बता रखी है, तो वो जरूर देखें। अगला समास अपन आते हैं, अगला समास है अपना द्वंद समास, अगला समास है अपना द्वंद समास, द्वंद समास एकदम आसान से ट्रिक बता रहा हूं। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है बेटा जी, इसमें विग्रह करते समय च का प्रयोग होगा, विग्रह करते समय च का प्रयोग होगा, ठीक है, विग्रह करते समय च का प्रयोग होगा। और यदि पुल्लिंग शब्द है तो उसमें च का प्रयोग करना है, और स्त्रीलिंग है तो 99% कह रहा हूं स्त्रीलिंग है, सॉरी पुल्लिंग में च का प्रयोग करना और स्त्रीलिंग है तो सिर्फ च का प्रयोग करना। ये एकदम इजी ट्रिक है इसको पहचानने की। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, जैसे राम कृष्ण। एक चीज और बता दूं बेटा जी,
क्वेश्चन को दोनों तरीके से समझना है, चाहे विग्रह आ जाए तो समस्त पद बनाना, समस्त पद आ जाए तो विग्रह करना, दोनों के अकॉर्डिंग समझिएगा इसको। अब देखिए मूल शब्द है राम कृष्ण समस्त पद है, तो मूल शब्द क्या हो गया, एक हो गया राम और एक कृष्ण, दोनों ही पुलिंग शब्द है। तो अब पुलिंग शब्द में किसका प्रयोग करेंगे, सच का, तो रामश्च और कृष्णश्च, रामश्च कृष्णश्च, बस ये हो गया विग्रह। जैसे क्वेश्चन आ गया सीता रामो, सीता रामो, अब देखिए बेटा जी सीता शब्द हो गया स्त्रीलिंग, जबकि रामो हुआ पुलिंग, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे च का, तो सीता च और रामश्च, सीता च रामश्च। ट्रिक वो अपनाओ जो आपके सीधा यहां बैठे, इजी, किताबों पासबुकों के फेर में नहीं उलझना, ट्रिक ही समझिए। अब देखिए सीता स्त्रीलिंग था तो अपन ने सिर्फ च लगाया है, राम पुलिंग है तो श च लगाया है। जैसे अब इसमें मैं आपको बता देता हूं विग्रह से समस्त पद बनाना, जैसे क्वेश्चन आ गया बर्तश्च लक्ष्मणश्च, बर्तश्च लक्ष्मणश्च। अब देखिए जैसे ही आप सच सच देखा, पहली चीज क्लियर होगी कि समास तो इसमें कौन सा है, द्वंद समास है, समास तो इसके अंदर है द्वंद समास। अब इसका समस्त पद बनाना है, कैसे बनाएंगे बेटा जी, मूल शब्द क्या है इसका, भरत, इसका क्या है लक्ष्मण, तो अपन ने लिखा भरत लक्ष्मण, भरत लक्ष्मण लिख दिया। अब आप बताइए कौन सा वचन हुआ ये, भरत और लक्ष्मण दो, यानी कि द्विवचन हो गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक ट्रिक बताई थी, एक और ट्रिक मैंने अशुद्धि संशोधन के अंदर बताई थी कि पुलिंग शब्द को द्विवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, बड़ा ओ की मात्रा लगा देते हैं, तो इस पर लगा दी बड़ा ओ की मात्रा, तो भरत लक्ष्मण हो जाएगा, भरत लक्ष्मण हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ गया राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, अब देखिए राधा शब्द हो गया स्त्रीलिंग, तो क्या लिखेंगे, राधा च और कृष्ण हो गया पुलिंग, तो कृष्णश्च, राधा च कृष्णश्च। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके अंदर जो आता है वो इसके पहचान के थोड़ा सा अलग, पितरऊ, पितरऊ शब्द ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके अंदर, दोनों है पितरऊ के अंदर, माता च पिता च, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत बार पेपरों में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चार समास थे उन चारों को मैंने एकदम ट्रिकी समझाया है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट में पूछिए और लगातार तैयारी करते रहिए। एक चीज प्यारे विद्यार्थी बता दूं, खाली आप वीडियो देखा छोड़ दिया ऐसे तैयारी नहीं होगी, वीडियो देखो, एक बार नहीं समझ आया दो बार देखो, तीन बार देखो, नोट्स बनाओ, खुद कॉपी के अंदर लिखो, तभी आपका वो चीज क्लियर होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लगातार पूछते रहिए, हर एक डाउट को क्लियर करके आगे बढ़ना है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों ये हो गए अपने चार इंपॉर्टेंट समास जो ट्रिकी थे, समझाने वाले थे। अब अपन समास के अंतिम पड़ाव में है, अपना अंतिम समास जो रह गया वो है बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास, बहुव्रीही समास क्या कहता, देखिए बेटा जी कि इसमें ना तो प्रथम पद पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि ये क्या करते हैं, पूर्व पद
और उत्तर पद दोनों मिलकर, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी अन्य शब्द का बोध कराते हैं, किसी अन्य शब्द का बोध कराते हैं, किसी अन्य शब्द का बोध कराते हैं वो कहलाता है। यानी कि ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, किसी अन्य शब्द का ही बोध कराएंगे, वो कहलाता है बहुव्रीही समास। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया आपके, इसमें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका ट्रिकी है नहीं, प्राप्तोदकम। देखिए इसमें अपन विच्छेद करें तो विच्छेद क्या होगा, प्राप्त और उद्गम दो शब्द हो गए, पूर्व पद है प्राप्त और उदक उत्तर पद है, तो विग्रह हो जाएगा प्राप्तम उदकम, प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तम उदकम यम सह, यानी कि प्राप्त प्रथम पद उत्तर उदकम हो गया उत्तर पद, दोनों मिलकर किसी और शब्द का ही बोध करा रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया दत्त भोजनम, दत्त भोजनम, जैसे दत्तम पूर्व पद हो गया दत्त, उत्तर पद हो गया भोजन, तो दत्तम भोजनम यस्मै सह, दत्तम भोजनम यस्मै सह। जैसे क्वेश्चन आ गया हत शत्रु, हत शत्रु, अब पूर्व पद हो गया हत, उत्तर पद हो गया हत शत्रु, दोनों मिलकर किसका बोध कराएंगे, किसी अन्य शब्द का बोध कराएंगे, तो हतः शत्रुः येन सह, हतः शत्रुः येन सह। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके पतित पर्णः, तो पूर्व पद हो गया पतित, उत्तर पद हो गया पर्ण, तो इसका हो जाएगा पतितम पर्णम यस्मात सह, पतितम पर्णम यस्मात सह। और जैसे क्वेश्चन आ गया दस आननानी, क्वेश्चन आ गया आपके दस आन नानी, तो दशम आन नानी यस्य सह, दस है सिर जिसके, किसके लिए आ गया रावण के लिए। यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा ना उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि क्या होंगे, दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द का जहां बोध कराएं वो कहलाता है अपने बहुव्रीही समास। तो प्यारे विद्यार्थियों ये आपका समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया, पूरी उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रटाफिकेशन जो मेथड है समास के बारे में, जो भ्रांति बनाई हुई है कि अगर अपन रट लें तो समास तैयार हो जाएंगे, रटना नहीं है। आज मैंने हर एक समास को आपको ट्रिकी समझा है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग समास को तैयार कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको समास अच्छे से समझ में आएंगे और तीन के तीन नंबर समास में से आप निकालेंगे, और निकालने ही हैं क्योंकि अपने टारगेट सेट करा 100 out of 100 वाला, वो तभी सॉल्व होगा, तभी आप प्राप्त करोगे जब एक भी टॉपिक में से आपके नंबर नहीं कटे। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके थ्रू लोगों का भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद।